है समस्या होती थी, छोटी मोटी दिक्कत है। एक बार इनका जो अर्थिंग का पॉइंट था लूज हो गया था। अच्छा अच्छा। तो एक बार एजेंसी में फोन करा, एक किले में विश्वास नहीं करोगे 44 लीटर डीजल खा गया था। 44 लीटर शेड गियर बक्सा में दिक्कत आई, वो नया कर दिया। प्रॉब्लम होती है करके जानते। अच्छा अच्छा। गियर बक्सा में दिक्कत आई, मशीन में इतना फॉल्ट आया आज से ज्यादा इसमें। हाँ, इतना अच्छा। अच्छा ज्यादा फॉल्ट। अच्छा। रोज कुछ न कुछ दिक्कत, कुछ न दिक्कत। ये अपन क्यों लिया और कोई कंपनी ना थी? कंपनी तो बहुत गणी मार्केट में। अच्छा अच्छा। पर हमने जो ली भाई कंपनी की, जो कंपनी इनकी जो डीलर की सर्विस बढ़िया लगी। अच्छा, किस्मत आया था है। अब मशीन ने भाई परेशान करना, कसर छोड़ी नहीं। अच्छा। अरे भाई सर्विस देने वाले ने भी कसर नहीं छोड़ी। नमस्कार किसान साथियों, तो जैसा कि आपने वीडियो में पता है, थंबनेल आपने देख ली है भाई, कौन से ट्रैक्टर की आज की वीडियो होगी वो आपको दिखावांगे। अरे भाई पूरी वीडियो अगर आपने देखनी है तो चैनल के साथ में जुड़े रहे। कौन सी वीडियो होगी, कौन सा ट्रैक्टर होगा वो आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे की साइड में। शानदार ट्रैक्टर उसकी वीडियो आपको मिलेगी पूरी पूरी। वीडियो को लाइक जरूर करें भाई। कितने करोड़ है आरपीएम? 15 पे रहा है। 14-15 है। 14-15। तेल का डीजल का कितना चीज लगता है? एक ऑप्शन है। हाँ, इकोनॉमी मोड हो गया ना, कभी हल्का काम करता है। इससे मोड बदले जाएगा। कल कहता था आईको मोड में आ जाए फिर तो नॉर्मल तेल में हो जाएगा फिर का। भाई धीरे धीरे ज्ञान हुआ है, घना फर्क है। किसान साथियों पहले देखो परफॉर्मेंस और फिर आपने दिखावांगे इस किसान भाई का फीडबैक मशीन के बारे में भी और भाई ट्रैक्टर के बारे में भी। तो हमारी वीडियो में होता ये है भाई पूरा प्रॉपर तरीके से कि किसान साथी का क्या कुछ कहना है मशीन के बारे में, ट्रैक्टर के बारे में, क्योंकि पिछले साल इसकी वीडियो बनाई थी हमने गोड़ी में, कंप्यूटर गोड़ी में 12 फीट की गोड़ी थी और मशीन शायद मेरे को ध्यान नहीं किस कंपनी की थी गोड़ी जो। बाकी अगर आपने वीडियो देखनी तो आई बटन में देख लो या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी आपने, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपने मिल जाएगा। तो वो वीडियो अगर आपने देखनी है तो वो जा करके आप देख सको के कुछ कहना पाएगा मशीन के बारे में, जो लेदर लेवलर है उसके बारे में। तो आज की वीडियो में आपको दिखावांगे फार्म ट्रैक 60-80 परफॉर्मेंस और फीडबैक दोनों चीजें साथ में होंगी। अभी फिलहाल में भाई बिना जुताई करी हुई जमीन में, धान की जमीन में मशीन चला रहा है, तो परफॉर्मेंस तो आपको देखने को मिल रही होगी। देखो भाई तो काम काफी बढ़िया है। और वह मशीन किसी लगी आपने, यह मशीन 9 फीट में भाई सुपर सीटर जो है 9 फीट में है गहीर कंपनी की। इस ट्रैक्टर के साथ में 9 फीट की चल रही है और वह 9 फीट की चलाने के बाद में पिछले साल भाई के पास में पुन्नी की थी 8 फीट में, तो उसमें इसमें क्या एक्सपीरियंस रहा है वो भी भाई से पूछेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहो भाई। तो वह किसान साथियों आपने जैसा कि पता है कि अभी सुपर सीडर का सीजन चालू हो चुका है और भाई तरह तरह के इम्प्लीमेंटर, तरह तरह के ट्रैक्टर आपको वीडियो में देखने मिल रहे होंगे।
तो आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगे फार्म ट्रक 60-80 जो की 9 फीट की गैर कंपनी की सुपर सीडर के साथ में चल रहा है। और पिछले साल भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इस ट्रैक्टर के साथ में 12 फीट की लेजर लेवलर थी और भाई काफी शानदार फीडबैक मिला किसान भाई का और कमेंट आए दोबारा कि उस ट्रैक्टर की वीडियो सुपर सीडर के साथ में और एक बार आप दिखाओ। तो वो वीडियो आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगे और साथ में जमींदार साथी से भी मिलावांगे कि कुछ कहना है सीधी तापड़ जमीन में बुआई होने लग रही है, पहले के कुछ बुआई हुआ करती और आज के टाइम पर के कुछ बुआई होने लग रही है, तो उसके बारे में पूछांगे और उनका परिचय भी करेंगे। नमस्कार जी। सबसे पहले एक बार अपने किसान भाई ने अपना गांव नाम के पता बताओ थोड़ा जी। गांव गोछी जी, तहसील बेरी। अपना नाम क्या जी? मेरा जयवीर सनोप करतार सिंह। ठीक है जी। अच्छा आप मतलब खेती कितने साल से कर रहे हो? खेती जैसे जीरी की तो मैं करता नहीं, ये गेहूं गेहूं की क्या? अच्छा गेहूं गेहूं की। हाँ जी। अच्छा गेहूं गेहूं है। अच्छा आप ये देखो मतलब पहले के टाइम था ज्यादा जुताई हुआ थी और ये जिस तरह की सीधा तापड़ जमीन में बुआई होने लग रही है, इस चीज तो आपके कुछ कहना चाहो किसानों ने? ये तो बहुत बढ़िया और इजी काम हो गया। अच्छा पहले तो बहुत बड़ा किराया लगता था। हाँ। जैसे ये इस तरह की जमीन, हाँ, बड़ी जमीन में हो जाए काम, मतलब उसको संभाल करना और फिर उसकी जुताई करनी, तो वो बहुत टाइम भी बचा है की भी बचत। अच्छा एक और चीज है जिस तरह के बाव ज्यादा बुएराम भी थोड़ा हो रहा है, मतलब गेहूँ भी कम जम है। हाँ वो एरिया के हिसाब से हमारा यहाँ का जो हिसाब किताब है ना धरती, उसमें क्या है नमक की उछाला हो जाए। अच्छा जा। हाँ वाटर लेवल ज्यादा है। हाँ जी। वाटर लेवल ज्यादा इस वजह से हो जाए इस चीज में। अच्छा खार ऊपर आ जाए, वो मतलब बिजाई वो जो बीज है वो अंकुर नहीं हो पाता, कम हुआ है। कम हुआ है। अच्छा जी चलो बाकी धान की पैदावार किसी को ठीक हो? चलो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने फीडबैक दिया। अच्छा ये कुछ इस तरह के आपने इस बिजाई होने के बाद में मतलब भाई गेहूं जाम रहे किसे भाई के वो देख लिए होंगे, संतुष्ट हो रहे इस चीज से? मतलब खेत में बुआ रखे इसी सुपर सीटर से। अच्छा अच्छा बढ़िया बिजाई हो रही है। बढ़िया बिजाई। चलो जी आपका धन्यवाद। अच्छा परवेश भाई तो थोड़ा परिचय कर ले। नमस्कार भाई। राम राम सारे भजन भाई। भाई थोड़ा एक बार अपने किसान भाई ने परिचय दो थोड़ा एक बार, गांव नाम कीजिए अपना। नाम परवेश जी। गांव गोची तहसील बेरी डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा। ठीक है। अच्छा इन्हू बताया मतलब अपना एरिया में इतना बड़ा ट्रैक्टर आपके पास है। हाँ। अच्छा इसके साथ में कितने फीट की सुपर सीडर अपनी है? 9 फुट की। अच्छा और कोई कंपनी ना थी? कंपनी तो बहुत गणी मार्केट में। अच्छा अच्छा पर हमने जो ली भाई कंपनी की जो डीलर की सर्विस बढ़िया लगी। अच्छा, डीलर जो डीलरशिप ले रहा है गैर की। हाँ। उसकी सर्विस बढ़िया। हाँ, फार्म ट्रक एजेंसी मोनू है। अच्छा अच्छा उसके पास डीलरशिप है। मशीन में इतना फॉल्ट आया आज से ज्यादा इसमें। हाँ इतना अच्छा। से ज्यादा फॉल्ट। अच्छा रोज कुछ न कुछ दिक्कत कुछ न दिक्कत। दिन से बढ़िया चल रही है। अच्छा किसी डर चला कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जो इनकी कंपनी गैर कंपनी के जो डीलर है अपने भाई सर्विस बहुत बढ़िया थी। अच्छा रात ने भी बंदे अड़े रहते कुछ न कर जाम थे। अच्छा गियर बक्सा गियर शेड गियर बक्सा हम दिक्कत आई वो नया कर दिया। हाँ। मतलब कहने का आपने मतलब जो सोचा था अभी मशीन ले आ, पर सर्विस के ऊपर ले वहाँ। हाँ, सर्विस वो बढ़िया लग गया बाकी लक व किस्मत हो आया था है। ये अब मशीन ने भाई प्रेस में कड़म कसर छोड़ नहीं। अच्छा अरे भाई सर्विस देने वाले ने भी कसर नहीं छोड़ी भी बढ़िया दी है। मतलब काम चल गया काम चला गया। सीजन सारा खराब माले करा दिया था। हाँ सीजन खराब हो गया माले सर्विस बढ़िया नहीं हुए ना माले भाई 2.5 लाख रूपये पानी पी गए थे। पानी पी गए थे या तो है। अच्छा एक और चीज तू थोड़ा नीचे आ जाएगा मशीन के बारे में थोड़ा उन्होंने बता इस तरह 7 फुट 8 फुट आप ले उसमें इस 9 फुट में के कुछ अलग देव है कुछ सपोर्ट है क्या साइज भी बड़ा हो गया? साइज बढ़ाएगा। अच्छा साइज बड़ा हो गया। बाकी फीचर सारे वे 9 में 8 में सेम है ले लो 12 ले लो। अच्छा अच्छा फीचर सारे वे हैं सेम मतलब ये भी बड़ी मशीन है चल रहा है धड़कन वगैरह नहीं धड़कन वड़कन कुछ नहीं वो जमीन का था होता वो है। अच्छा जमीन के भाई टाइट जमीन है उसमें भाई मशीन जब तक अंदर जमीन में रूटर अंदर नहीं जा कटाई करेगा तो धड़कन बनेगी गिल्ली मशीन हो धड़कन मतलब ठीक जमीन होता है धड़कन में कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा इसमें जिस तरह चौकिंग वगैरह की जिस तरह रुक जाया करो वो तब रोलर रुकना तवे ज्यादा गिल्ली जमीन हो तो उसमें समस्या बन गया है। अच्छा इसमें कोई दिक्कत इसी कोई दिक्कत नहीं आती बाकी थोड़ी बहुत ज्यादा गिल्ली जमीन हो जाए ना तो जमीन तो सुखा गिल्ली है। हाँ ये गिल्ली है देखियो लड्डू बने इस हाल है। हाँ
इसमें भी काम कर रहे हैं। हाँ, काम कर रहे हैं। पर भाई क्या है, बवेर का टाइम है, बस है नहीं। हाँ, टाइम की तो वैल्यू हो रही है। जमींदार में सोचते भाई बाहेंगे जुताई कराएंगे, किराया बड़ा ज्यादा लगेगा। हाँ, टाइम भाई पैसे की बचत है, समय की बचत है। अच्छा, एक बार में काम हो जाए, एक बार हो जाए। आप देख लो दोनों साइड है, जमीन देख लो, जमीन देख लो। हाँ, वो तो फर्क तो लगा ही है। अच्छा, इससे कितने किले निकाल दिया अपन? अब तो भाई किले थोड़े निकाल लिए हैं, ज्यादा नहीं, 70 किले निकाले अभी तो। 70 किले। हाँ। जिसमें साथ में अपना लेट शुरू हुआ, मतलब ब्रेक डाउन भी हुआ थोड़ा बहुत आपको? ब्रेक डाउन के कारण भी लेट रहे। हाँ, हाँ, ब्रेक डाउन बीच में कितना हो गया? लेट हो गया। हाँ, गियर बक्सा में दिक्कत बताओ आप, उस चीज की दिक्कत आ गई थी। 4-5 दिन तक बढ़िया काम चला, बढ़िया चला। अच्छा, इसका टोटल वेट कितना है? 9 फुट में इसका वेट है 11 क्विंटल 80 किलो। 11-80। और मट्टी मिट्टी लाग के फिर? अच्छा, एक क्विंटल पक्का बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज है जिस तरह इसमें वेट वगैरह आगे कोई समस्या नहीं अपन डालन की? ना, कंपनी फिटेड वेट है भाई, बढ़िया चल रही है। लगाया तो कुछ साथ में है, वो इतना है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये साइड में सपोर्ट दे रखी जिस तरह खड़ी? हाँ। ये इसमें 9 माह होगी? 7 माह। हाँ, यह चीज बढ़िया कर रखी देख। ये टोपलिंग का बैलेंस बनाना खतर है। हाँ, ये जो बैलेंस, सबसे बड़ी बात जो पाइप है, मशीन टूट गए हैं, उसमें बहुत सपोर्ट करेगा। हाँ, ये सपोर्ट बढ़िया दे दिया, मतलब कंपनी ने पहला सोचा है। बहुत सेम मशीन देखी, 9 फुट में कोई सपोर्ट नहीं, मतलब सेम वो सौदा दे हुए हैं, तो यह सपोर्ट देने का बढ़िया काम करा गया कंपनी ने। अच्छा, एक और अंदाजा बता दे, कै रुपया पड़ी अपने यहाँ? 2.5 लाख रुपया में, मतलब वो तो देखो मौके पे व्यवहार की बात हो अपने अपनी, नहीं डीलर के साथ में जैसा भी। अच्छा, और कोई ट्रैक्टर में अभी तक कोई समस्या अपन देखी? ना भाई, ट्रैक्टर में कोई समस्या अभी तक, छोटी मोटी दिक्कत है। एक बार इनका तो अर्थिंग का पॉइंट था, लूज हो गया था। अच्छा अच्छा। तो एक बार एजेंसी में फोन करा था, उन्होंने जिस टाइम फोन करा था ना दोपहर में, टेम्परेचर की सुई है वो जगह कंट्रोल ना हो रही थी। अच्छा, लो में कब आई में ऐसी दिखा रही थी। उन्होंने बात करके ना, बंदा स्पेशल फरीदाबाद धरना आ गया था। अच्छा अच्छा। उसी दिन शाम ने आते हुए देखते बताया गया था, लेके 10 नंबर था भी, उन्होंने टाइट करके चला गया, तो सिरा चला, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बढ़िया चल लगा। ना टेम्परेचर की दिक्कत, इधर तक टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, बताओ नहीं होगा, ट्रैक्टर ठंडा है गर्म है। हाँ, ये वो चीज तो जरूरी है। अच्छा, एक और चीज बता, जिस तरह इसमें इसका सर्विस का टाइम के मामू और ट्रैक्टर था अलग है, फॉरन ट्रैक्टर कितने घंटे? 300 घंटे। अच्छा, ईब तो 500 घंटे डलवाओ ही मैं। अच्छा, 300 घंटे करवाओ? 300 घंटे करवाओ और 500 का तेल डलवाओ, 500 का। मतलब इसी वजह तो ट्रैक्टर भाई देख लाइफ ज्यादा हो जाए इस चीज का, अपने हाथ में है। बिल्कुल, अपने हाथ में टेम्प करवाए जाएंगे तो इंजन रख रखाव बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उम्र रहेगी, कितने घंटे चल गया? ई भी चल गया 1080-75 घंटे करीब चलने हो रहा है। अच्छा अच्छा। बाकी मैं भाई ना, भाई काफी पैसे लगाए, और पैसे लगाए हैं तो उस चीज का काम भी होने लग रहा है, बढ़िया ट्रैक्टर चल रहा है कुल मिलाकर। और भाई फीचर की कहो, इस ट्रैक्टर में तो काफी ज्यादा फीचर है, मतलब गणवान लग गया, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के काफी शानदार ट्रैक्टर है, और शानदार मशीन चाली भाई की। कस्टमर सर्विस मेन चीज रहा हुआ भाई, मशीन में दिक्कत बहुत आई लेकिन कस्टमर सर्विस इतनी बढ़िया थी कंपनी की कि टाइम पर काम हो गया, और भाई डीलर का रिस्पॉन्स इसमें बहुत ज्यादा रहा भाई के लिए। तो भाई अपना हमने जो मशीन तो और भी थी गुरुबाज की, बढ़िया मशीन थी, पर जो माल है ट्रैक्टर में उतर तो मैं 1 साल हो गया ट्रैक्टर अपने पास, सीधा जहाँ से लिया था उसको छोड़ गए, चिजरे वालों से बात करी थी मैं ना भाई, एक बार नाम ले दिया ट्रैक्टर फार्म ट्रक हटा सी कुछ बंदे खड़े पाओ, इतनी बढ़िया दे रखी है अपने आप पास मशीन लेने का मन कर गया। बिल्कुल, मशीन लेने का मन तो देखो अपने आप पे कर गया है। हाँ। क्योंकि आपने वहाँ से न लेकर के ट्रैक्टर बाहर से लिया था, फिर भी फिर भी सर्विस इतनी बढ़िया दे रहे हैं, ये कोई भी प्रॉब्लम हो ना 1 मिनट में फोन पर कह दे, बता दे। चलो भाई, तो देखो सर्विस का मेन रहा है, कंपनी मैटर नहीं करती, सर्विस का बहुत मैटर है। बाकी भाई ट्रैक्टर बढ़िया चल रहा है भाई का, और भाई कोई भाई लेना चाहता है फार्म ट्रक 60-80 तो वो भी ले सके, कोई दिक्कत नहीं, ट्रैक्टर बढ़िया चल रहा है, मौज करेंगे। यो नहीं है, लेकिन फार्म ट्रक 60-80 को भाई लेना चाहो ना, यो देने का नहीं है, लेकिन और भी भाई लेने का, एजेंसी से बात करो या मतलब पुराने भी फोर सेल में है ये ट्रैक्टर, तो बढ़िया चल रहा है भाई के पास में, कोई परेशानी? मशीन लेकर आए थे 1 किले में, विश्वास नहीं करोगे, 44 लीटर डीजल खा गया था।
44 लीटर अच्छा दब्बा था के समस्या थी दब्बा भी ना था मशीन के चक्कर सेट नहीं हो रहे थे गिल्ली जमीन थी मशीन तो फाल काट रखे थे कबा मशीन कुछ फंस जाए चक्कर मेंटेन ना हो रहे थे अच्छा अच्छा आगे पीछे करने में 4-5 घंटे लगे किला निकलने में अच्छा 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 टीम आई चक्कर मिलाए जब साइड गए 6 लीटर आइयो तो पूरा जो टाइयो तो दबन का नहीं है इन तेल खाना हाँ तो वही बात है ना दिया। चलो भाई ठीक है अपना धन्यवाद और भाई कीमती समय बहुत गणाई भी हो जमींदार चल रहे भाई मशीन तो कीमती समय इसको वेस्ट ना करते हो भाई भाई के टाइम को वेस्ट ना करा और भाई फैक्ट्री बढ़िया चल रही है मशीन भी बढ़िया चल रही है वीडियो जैसी लगा लाइक शेयर करके बताना है तो धन्यवाद जय हिंद जय भारत।